हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं TDWS। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गूगल के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता है गूगल एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और हम सब इसका यूज़ करते हैं आज की डेली बेसिस में। हर कोई गूगल का यूज़ करता है, पर क्या हम इसके बारे में हर चीज़ जानते हैं? अगर नहीं तो आज की आप इस वीडियो देखते रहिए। मैं आपको गूगल की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूं कि असल में गूगल की शुरुआत कैसे हुई और अभी ये क्या है, और मतलब पूरी गूगल के बारे में जो इसकी जन्म कुंडली है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। तो बिना किसी समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल की शुरुआत कब हुई थी। गूगल बना था अगस्त में 1998 में। जी हाँ दोस्तों, और इसको बनाया था दो लोगों ने मिलकर। पहले का नाम था लैरी पेज और दूसरे सर्जी ब्रिन। असल में ये दोनों गूगल के मतलब फाउंडर हैं। इन दोनों ने गूगल का खोज करा और उस टाइम ये अपने नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। इन्होंने इससे पहले असल में गूगल मतलब कुछ इस तरीके का ही सर्च एल्गोरिथम बनाया था जिसका नाम इन्होंने बैक रब 1996 में। लेकिन उसको बाद में इन्होंने उसी को अपडेट करके उसी का नाम इन्होंने गूगल रख लिया। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि गूगल नाम असल में गूगल का मतलब क्या है। तो दोस्तों, असल में गूगल वर्ड आया है गूगोल। जी हाँ दोस्तों, गूगोल नाम के एक वर्ड से जिसका मतलब होता है वन और उसके बाद 100 से भी ज़्यादा जीरोस, उसको हम गूगल बोलते हैं। तो इसी को थोड़ा मिस स्पेल करके इस गूगल बनाया गया। मतलब इसका मतलब आप कह सकते हैं शायद किसी सिंगल चीज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इसने इसका नाम गूगल रखा गया और इसका नाम इनके फाउंडर्स ने रखा था। दोस्तों, जब गूगल की शुरुआत हुई थी तो इनको अपने मतलब शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इनका मतलब इनको लग रहा था कि इनका ये सॉफ्टवेयर चलेगा भी नहीं। तो इन्होंने असल में क्या करा था कि इनको फंडिंग चाहिए थी, तो इनको फंडिंग दी थी सन माइक्रो सिस्टम के को फाउंडर ने, और इनको लगभग फंडिंग दी थी $100,000 के करीब इनको फंडिंग दी थी उन्होंने। और उनको विश्वास था कि यार ये गूगल का जो कंसेप्ट है वो कुछ यूनिक है, तो लोग ज़रूर आगे वाले टाइम में इसका यूज़ ज़रूर करेंगे। और आई थिंक बिल्कुल सच, हम सब उसका यूज़ आजकल कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे गूगल जैसे जैसे आगे बढ़ा, इसने काफ़ी नई नई चीज़ें लाई। इसने गूगल न्यूज़ लाई 2002 में। उसके बाद जीमेल की सुविधा लाई। जी हाँ दोस्तों, पता है आपको जीमेल से पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का हॉटमेल इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब 2004 में गूगल का जीमेल आया तो हॉटमेल धीरे धीरे जो इसके यूज़र्स थे कम हो गए और ज़्यादातर लोग जीमेल का यूज़ करने लगे। उसके बाद 2005 में ये लेकर आए थे गूगल मैप, जिसने लोगों के मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ही थिंकिंग ही बदल दी। लेकिन उस टाइम लोग इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, बट आज तो यार डेली बेसिस पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर इंसान गूगल मैप का लगभग यूज़ करता रहता है लोकेशन जानने के लिए। तो गूगल मैप आया था 2005 में। उसके बाद 2008 में आया था क्रोम। जी हाँ दोस्तों, गूगल का क्रोम, इनका एक खुद का एक ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेम माना जाता है और गूगल का खुद का ऑफिशियल है यार। 2008 में ये आया था। तो जो लोग आप भी चाइनीज़ ब्राउज़र यूज़ करते हैं यार, कोई सा भी पता नहीं कौन कौन से ब्राउज़र्स होते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि उन ब्राउज़र का यूज़ ना करें और क्रोम का ही यूज़ करें। और साथ ही साथ ये 2011 में लेकर आया था गूगल प्लस। जी हाँ दोस्तों, एक सोशल नेटवर्क साइट थी इसमें आप जैसे कि जैसे फेसबुक होता है सेम कुछ उसी तरह का था, बट जैसे कि आपको पता है कि इसका यूज़ मतलब उस टाइम तो लोग थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल मतलब ठप हो चुका है। गूगल ने इसे ऑफिशियली मतलब बंद कर दिया, अब इसका कोई यूज़ नहीं करता है। 2011 में आया था गूगल प्लस, लेकिन हाँ इतना कुछ कर नहीं पाया, बट एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। दोस्तों, गूगल की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो इसके यूज़र्स होते हैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता है, तो अपने जो इंटरफेस को काफ़ी मतलब बदलता रहता है और काफ़ी ज़्यादा ईजी है गूगल यूज़ करना। नॉर्मल अगर किसी को कोई सर्च करने में दिक्कत हो तो माइक का यूज़ करके जो भी उसको कमांड देनी है गूगल को दे सकता है और गूगल उसके सामने वो सारी नॉलेज शो कर देगा उस डेटा से रिलेटेड जो भी उसको चाहिए। तो बहुत ईजी टू यूज़ है और हर कोई इसका यूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ गूगल की बहुत ज़्यादा अच्छी है और यूज़र्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। गूगल ने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप भी करी है, जैसे कि नासा हो गया, स्काई यूके हो गया, सन माइक्रो सिस्टम हो गया, और भी मतलब न्यूज़ कॉरपोरेशन, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनी से उसने पार्टनरशिप कर रखी है। तो ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ है कि गूगल काफ़ी और भी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके मतलब मिलके काम करता है। तो एक बहुत ज़्यादा सीखने लायक चीज़ है कि मतलब मिलके काम कर रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी भी और बाकी कंपनियों से मिलके काम कर रही है, तभी जाके इनके जो यूज़र्स हैं उनको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों, फाइनली हम बात करेंगे गूगल के बारे में। मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, होप आपको गूगल से हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगर आप एक नॉर्मल गूगल यूज़र हैं, ये वीडियो भी आप यूट्यूब पर देखना, और यूट्यूब भी असल में गूगल का एक हिस्सा है। तो अब क्या ये वीडियो ख़त्म?
जी नहीं दोस्तों, मैं अगर यार आपको पता है कितने दिन बाद आए हैं, तो कुछ मैं आपके लिए नया लेके आया हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रोमांचक फैक्ट गूगल से रिलेटेड। तो जल्दी से इस फैक्ट्स को मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है कि गूगल पर डे कितना लगभग कमा लेता है अपने एड्स से? जो अपने एड्स आप देखते होंगे, वेबसाइट चलाते होंगे वहाँ पे ऐड आता है, कुछ भी अगर आता है आपके सामने, पॉपअप हो जाता है कोई वेबसाइट पे ऐड, तो उससे गूगल कितना कमा लेता है? असल में उससे गूगल कमाता है $121 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, $121 मिलियन पर डे, इतना एक दिन में कमा लेता है, बहुत ज़्यादा कमा। दोस्तों दूसरा फैक्ट है वो है असल में इंडियन से रिलेटेड थे यार। आई होप काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो गूगल के CEO हैं वो एक इंडियन है, उनका नाम है सुंदर पिचाई। तो ये इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि लोग, कुछ लोग कहते हैं कि इंडियंस में क्रिएटिविटी नहीं है, और देख सकते हैं एक कहाँ पे है एक इंडियन अपना, मतलब इंडियंस ही इंडियन है और नॉर्मली वो गूगल के CEO हैं, तो ये इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। दोस्तों गूगल पे आपको पता है हर दिन काफ़ी ज़्यादा नई वेबसाइट्स आती रहती हैं, नई नई चीज़ें उन पर अपडेट होती है, काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ GB का डेटा आता है। तो पर डे नॉर्मली गूगल पे 1 मिलियन GB से भी ज़्यादा का डेटा स्टोर हो जाता है पर डे, एक दिन में 1 मिलियन GB से भी ज़्यादा डेटा। तो देख सकते हैं यार काफ़ी बड़ी बात है ये। दोस्तों चौथा फैक्ट है कि असल में जो गूगल के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे जो भी उनकी लॉन होती है यानी कि गार्डन, वहाँ पे जो घास उगती है ना उनको मशीन से नहीं काटते हैं, उनको वो नॉर्मल गॉड्स जो होती हैं बकरियाँ उनको वहाँ छोड़ देते हैं और बकरियाँ उन घास को खा लेती हैं। तो उनके एम्प्लॉयज़ का कहना है कि जब भी वो काम करते हैं तो वो बाहर से जब भी विंडो से देखते हैं तो उनको अपने लॉन में बकरियाँ दिखलाई देती हैं। तो ये बहुत मतलब यूनिक चीज़ है और ये इको फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बिजली का यूज़ नहीं कर रहे नॉर्मली ये, क्योंकि पता है यार जानवर है उनको भी ग्रास खाना होता है, तो उनको हम काट के अगर फेंक वेंक देंगे घास को तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए उनको जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको खिला देते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों पांचवा फैक्ट है कि असल में अगर आप गूगल के कोई एम्प्लॉय हैं US में, तो अगर आप मर जाते हैं किसी कारणवश तो आपकी जो फैमिली आने वाले 10 सालों से भी ज़्यादा तक उसे आपकी सैलरी का 50% हिस्सा मिलते रहेगा आपकी जो भी फैमिली है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, गूगल अपने एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। तो देख सकते हैं दोस्तों एक और फैक्ट है, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पसंद है कि गूगल खुद को सेल करने वाला था 1999 में एक एक्साइट नाम की कंपनी को $1 मिलियन में, क्योंकि गूगल को लगा कि यार हमारा मतलब ये बिज़नेस कुछ ज़्यादा चलने नहीं वाला है, और एक्साइट कंपनी ने भी उनको मना कर दिया कि हम जाओ हम तुम्हें नहीं खरीद रहे क्योंकि तुम्हारी कंपनी तो भाई बेकार है, हमारी कंपनी मस्त है, तो इसने हमें तुम्हें नहीं खरीदना। लेकिन आज देख सकते हैं कि आई होप आप लोगों ने तो एक्साइट का नाम भी नहीं सुना होगा, मुझे लग रहा है गूगल का नाम तो सब ने सुना है, और देख सकते हैं गूगल उस टाइम से कहाँ थी, खुद को बेचने की तादाद से लेके आज काफ़ी ज़्यादा महंगी कंपनी बन चुकी है। दोस्तों जैसे महंगाई की बात आई चुकी है तो आप बात करते हैं गूगल के वर्थ यानी मतलब गूगल का पूरा कितना मतलब कॉस्ट कितना है गूगल का, अगर इसका मतलब एक नॉर्मल एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ, इसका कॉस्ट है लगभग $300 बिलियन से भी ज़्यादा, देख सकते हैं $300 बिलियन। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इतना आएगा, तो यार देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब कॉस्ट है। आई होप दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म, तो दोस्तों बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गूगल के हिस्ट्री के बारे में, गूगल के बारे में जानने को मिला काफ़ी कुछ, इस वीडियो को लाइक तो यार कर देना क्योंकि यार काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, और इसे शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव सबसे, ताकि उनको भी गूगल के बारे में पता चले, क्योंकि मुझे पता है वो गूगल यूज़ करते हैं, हर कोई गूगल यूज़ करता है, तो जो भी गूगल यूज़र्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, तो यार ज़रूर फैला देना इस वीडियो को। और आपका शुक्रिया, हमारे 800 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस चैनल पर, तो यार ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए, और मैं अब आपको मतलब वीडियोस देते रहूँगा यार, काफ़ी टाइम से वीडियोस आने रही थी, तो आई एम सॉरी बट अब मैं आपको वीडियोस देते रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक वाइक तो कर ही दोगे यार, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और यार ऐसे मत जाना सब्सक्राइब करके जाना यार, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।